Good morning, students. Welcome back to the second semester. Today we will study the first chapter of your second semester English book. The chapter name is The Tree Spirit. The tree spirit means Atma ka ped. So students, spirit means Atma. या तो हम इसे फेरी कह सकते हैं और या तो हम इल्फ कह सकते हैं. तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, आत्मा का पेड़ या तो फेरी का पेड़ या इल्फ का पेड़ हम कह सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, स्टोरी में जाने से पहले हम गेट सेट गो में दिए गए क्वेश्चंस को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम स्टोरी में प्रवेश करेंगे. सो लेट अस बिगिन. ट्रीज हेल्प अस इन मेनी वेज. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड नेम एटलीस्ट 5 यूसेस ऑफ ट्रीज. तो स्टूडेंट्स, पेड़ों से हमें बहुत प्रकार की चीज़ें मिलती है और हमें बहुत ही उपयोग पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है. तो इस इन चित्रों को देख करके आप समझ सकते हैं कि पेड़ से हम क्या क्या बना सकते हैं. ओके, तो आप लोगों का टास्क होगा लिखने के लिए कि आप लोग 10 यूसेस ऑफ ट्रीज लिखेंगे और सेंड करेंगे. ओके, 10 यूसेस ऑफ ट्रीज राइट डाउन इन योर कॉपी एंड देन यू हैव टू सेंड इन द ग्रुप फॉर द करेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, फॉर आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स द यूसेस ऑफ ट्रीज. जस्ट एज वी गेट द फ्रेश एयर from trees, we get the wood, timber, all these things. Okay, so like this you have to write at least 10 uses of trees. Now let us come to the story. So students, this is a story. Okay, once upon a time there was a king far away in the country. And he had a wish that his palace must be stand only in one pillar. So he thought of having that sort of palace. Then he called his ministers and ordered his ministers to go in the forest and cut down as big as a tree and bring to the palace and built it his palace in and only one pillar. Okay, that was the wish of this king. But you can think, was it possible to have the palace in only single pole? No. Okay, this is only a story to teach us, to give us a moral. Okay students, so let us begin the story. Folk tales are stories and are passed down from generation to generation by word of mouth. The folk tales means lok कहानियाँ. लोक कहानियाँ पुराने ज़माने में छोटी छोटी कहानियाँ होती है जो कि बहुत ही मॉरल कहानियाँ होती है. ओके, और वे कहानियाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ओरली पास होता था, ओरली दिया जाता था. तो ये कहानियाँ मतलब जेनरेशन टू जेनरेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसको दिया जाता था. ओके,
जनरेशन मतलब पीढ़ी. ओके, रीड दिस ब्यूटिफुल पॉक टेल अबाउट अ किंग एंड अ ट्री स्पिरिट. तो यह स्टोरी भी इसी तरह का एक पॉक टेल है, एक लोक कहानी है, एक राजा और एक आत्मा के पेड़ के बारे में. देयर वॉज वंस अ किंग इन अ फार अवे लैंड. ही हैड ए ग्रैंड आइडिया. तो एक समय बहुत दूर दराज में एक राजा रहते थे और उसके मन में एक बहुत ही शानदार आइडिया आया. तो वो आइडिया क्या है, राजा क्या सोचते हैं? आई वॉन्ट अ ब्यूटिफुल पैलेस, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ सिंगल कॉलम इन द सेंटर. तो उसका आइडिया है कि मुझे एक बहुत सुंदर पैलेस चाहिए और वो पैलेस एक सिंगल कॉलम, एक सिंगल खंभा में सपोर्ट होकर के खड़ा होना चाहिए कहता है. ओके, द मिनिस्टर्स सेंट आउट 30 फॉरेस्टर्स आफ्टर अ फ्यू डेज. नहीं, यहां पे नहीं, नेक्स्ट साइड में. ओके, द किंग कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स. तो इसके लिए राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया. सेंड मेन टू आवर फॉरेस्ट, टेल देम टू कट डाउन द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री दे कैन फाइंड एंड ब्रिंग इट टू मी. तो इसके लिए राजा अपने मंत्रियों को बुलाया और ऑर्डर दिया कि पेड़ काटने वाले लकड़हारों को हमारे जंगल में भेजो और उन्हें कहो कि जंगल में एक ऐसा पेड़ ढूंढो जो कि जंगल में सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो, उसे काट करके मेरे पास लाएं. ये कह के राजा अपने मंत्रियों को ऑर्डर देता है और मंत्री अपने लकड़हारों या वुड कटर लोगों को भेजते हैं. ओके, द मिनिस्टर सेंट आउट 30 फॉरेस्टर्स. तब मंत्री लोगों ने 30 वुड कटर्स लोगों को जंगल में पेड़ ढूंढने के लिए भेजे, बड़ा सा बड़ा पेड़ ढूंढने के लिए भेजे. आफ्टर अ फ्यू डेज दे रिटर्न. और वे वुड कटर्स कुछ दिन जंगल में ही रहे, ढूंढते रहे और कुछ दिन के बाद वो वापस आए. फिर उन लोग क्या कहते हैं, सुनो राजा से, देयर आर मैनी जैजांटिक ट्रीज इन द फॉरेस्ट. जैजांटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स विशाल पेड़. ओके, बड़ा पेड़ है ना, ह्यूज पेड़ हो. तो मंत्री, तो वुड कटरों ने या लकड़हारों ने राजा से बोलते हैं, राजा जी जंगल में तो बड़े बड़े पेड़ हैं, कई बड़े बड़े पेड़ हैं, वी कैनॉट कैरी देम एंड ब्रिंग देम टू द सिटी. और उन पेड़ों को हम काट करके आपके पास ला नहीं सकते हैं, कहते हैं. ओके, वेरी वेल, फाइंड अ ट्री इन द सिटी पार्क, ब्रिंग इट टू मी इन 7 days. तो राजा फिर से उनको कहते हैं कि ठीक है, अब अगर तुम लोग जंगल से नहीं ला सकते हो काट करके, तो पैलेस के आसपास हमारे पार्क में एक ऐसा पेड़ ढूंढो जो कि सबसे बड़ा और स्ट्रोंग हो और उसे काट करके 7 days में लेके आओ. ओके, फिर द फॉरेस्टर्स फाउंड अ स्प्लेंडेड साल ट्री दैट ग्रू नियर द पैलेस. तो लकड़हारों ने पार्क में महल के पास एक बहुत ही शानदार साल का पेड़ मिला. दे डिसाइडेड टू कट इट डाउन. और वे लकड़हारों ने उस पेड़ को काटने का निर्णय लिए. वो तब पेड़ क्या कहता है, सुनो,
Oh, please do not harm this strong and beautiful tree. It is the home of an ancient and wise spirit who has protected us all for generation. तो वहाँ कुछ बौने लोग, एल्फ लोग, छोटे प्राणी प्रकट होते हैं और वे कहते हैं, है ना, कि इस पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इस पेड़ में प्राचीन समय से ही यहाँ एक बहुत ही बुद्धिमान आत्मा फेरी रहता है, जो कि हमें पीढ़ी से पीढ़ी बचाते आ रहे हैं, कहता है ये इन लोग कहते हैं। ओके, फिर द फॉरेस्टर्स स्पोक रेस्पेक्टफुली टू द ट्री स्पिरिट। तो वुड कटरों ने आत्मा ट्री से या फेरी से बहुत ही सम्मानपूर्वक बात किए। वी मस्ट लीव द ट्री विद इन 7 days. The king needs the wood from this tree to build his new palace. तो वुड कटरों ने फेरी से कहते हैं कि हम लोग आपको 7 days रहने के लिए देते हैं और 7 days के बाद हम लोग इस पेड़ को काट देंगे, क्योंकि राजा इस पेड़ को अपने पैलेस में चाहता है, पैलेस बनाने के लिए चाहते हैं, कहते हैं। ओके, देन दिस मस्ट नॉट बी अलाउड टू हैपन। तो फिर फेरी सोचते हैं कि दिस मस्ट नॉट बी अलाउड टू हैपन, तो ऐसा होने नहीं देंगे, ये कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं। द ट्री स्पिरिट बिकेम सैड। तो ट्री स्पिरिट बहुत ही उदास हो गए। आई विल विजिट द किंग एंड ट्राई टू चेंज हिज माइंड। तो ट्री स्पिरिट फेरीज बहुत ही नाराज हो गए, दुखी हो गए, और वे कहते हैं कि नहीं, मुझे राजा से जा कर के मिलना चाहिए, मुझे बात करना चाहिए, ताकि उनका माइंड, उनका सोच बदल सके। ओके, दैट नाइट द ट्री स्पिरिट अपियर्ड बिफोर द किंग इन हिज ड्रीम्स। और उसी रात को फेरी राजा के सामने स्वापन में प्रकट हुए, ठीक है, दिखाई दिए। आई एम द स्पिरिट ऑफ दैट साल्ट ट्री ओ किंग, आई वॉज एज फ्री एज अ ब्रिज, बट टूडे आई लर्न ऑफ योर प्लान टू कट द ट्री डाउन, आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड। द ट्री स्पिरिट द फेरी राजा से निवेदन करती है। ओके, तो कहती है, मैं उस पेड़ का, उस साल पेड़ का फेरी हूँ, आत्मा हूँ, एल्फ हूँ, वो राजा, आई वॉज एज फ्री एज अ ब्रिज, मैं हवा की तरह स्वतंत्र हूँ, मतलब स्वतंत्र थी, बट टुडे आई लर्न ऑफ योर प्लान टू कट द ट्री डाउन, लेकिन आज मुझे आपके प्लान के बारे में पता चला कि आप उस ट्री को काटने वाले हैं। आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड, और मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपसे निवेदन कर सकूँ, ताकि आपका दिमाग, आपका माइंड चेंज हो जाए और उस पेड़ को आप ना कटवाएं। ओके, द किंग वॉज नॉट मूव्ड, लेकिन राजा फेरी के बातों से बदले नहीं। नो आई कैनॉट, योर्स इज द ओनली ट्री स्ट्रॉन्ग एनफ टू सपोर्ट द पैलेस। तो राजा अपने मन नहीं बदलते हैं और कहते हैं फेरी से कि नहीं, तुम्हारा ट्री, तुम्हारा पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो सबसे स्ट्रोंग है, जो कि मेरे पैलेस को सपोर्ट कर सकता है, संभाल सकता है।
Okay. O king, for 1,000 years people have worshipped me. Birds have their nest on my branches. People rest under my shade. फिर फेरी कहती है, ओ राजा, हजारों वर्षों से लोग मुझे पूजा करते हैं. पक्षियाँ मेरे पेड़ के ब्रांचों में अपने घोंसले बनाते हैं, आराम करते हैं, और लोग मेरे छाया के नीचे आराम करते हैं, कहती हैं. ओके, फिर राजा क्या कहते हैं सुनो. द किंग हर्ड द स्पिरिट बट इंसिस्टेड. राजा फेरी का बातों को सुना पर वो जिद करने लगा. इंसिस्टेड मतलब जोर देना, जिद करना. ओके, दैट मे बी ट्रू बट आई कैन नॉट स्पेयर यू. तो राजा कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सच है पर मैं आपको छोड़ नहीं सकता, कहता है. देन माइटी किंग प्लीज कट मी इन 3 parts. तब फेरी क्या कहती है, उसके सामने अगला विष रखती है. तो राजा से कहती है, तब ठीक है, तो आप मुझे 3 भागों में काटिए, कहती है. फर्स्ट कट अवे द ग्रीन पार्ट, सबसे पहले मेरे ब्रांचों को काटिए. नेक्स्ट कट माई मिडल विथ इट्स 100 strong arms एंड हैंड्स. और सेकेंड टाइम आप मिडिल पोर्शन को काटिए और लास्ट में नीचे का बचा हिस्सा काटिए, कहती है. ओके, तब राजा चौंक जाते हैं. देखिए, द किंग वॉज सरप्राइज एट द स्ट्रेंज रिक्वेस्ट. तो राजा अचंभित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं फेरी के अजनबी रिक्वेस्ट, निवेदन से. ओके, बट वाई डू यू वॉन्ट टू सफर 3 times. तो राजा कहते हैं फेरी से कि लेकिन आप इस तरह से 3 बार कटवा करके इतना दुख क्यों झेलना चाहते हैं, कहते हैं राजा. ओके, फिर राजा कहते हैं यस आई डू. तो राजा है कहते हैं ठीक है, मैं आपकी जो इच्छा है उसी तरह से मैं पेड़ को कटवाऊंगा, कहते हैं. फिर dozens of young salt trees have sprung up around me. If you cut me with 1 stroke, तो फेरी कहती है कि यदि आप 1 स्ट्रोक से काटेंगे, एक ही चॉप से काटेंगे, तो मेरे आसपास हजारों साल के छोटे छोटे नन्हे पौधे निकल आएंगे. They will all be crushed under my weight. अगर आप नीचे से एक ही बार काटेंगे तो जो भी छोटे छोटे उसके पौधे निकलते हैं वे उसके गिरने से दब जाएंगे, कहती हैं. बट इफ़ आई फॉल इन 3 pieces, और यदि मैं 3 टुकड़ों में गिरूंगी, सम ऑफ द लिटल वंस में स्टिल थ्राइव, और कुछ नन्हे पौधे यदि मैं 3 बार कट करके गिरूंगी तो मेरे आजू बाजू जो भी छोटे छोटे नन्हे पौधे होंगे वे दब करके नहीं मरेंगे और वे हेल्दी पूर्वक ग्रो हो जाएंगे. डू यू ग्रांट मी विश? तो परी कहती है कि यह विश आपको मंजूर है, क्या आप मुझे यह विश दे सकते हैं? ऐसा फेरी कहती हैं. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पेज. द किंग थॉट अबाउट द स्पिरिट्स वर्ड्स ऑल नाइट. तो राजा पूरे रात सोचने लगा, फेरी की बातों को सोचने लगा, आत्मा की बातों को सोचने लगा. ओके, कि इसका कहने का क्या मतलब है. तो उसके दिमाग में फेरी की बात चलने लगी. ओके, देन द ट्री स्पिरिट इज सो काइंड एंड वाइज, व्हाट अ ग्रेट सक्रीफाइस इट इज प्रिपेयर्ड टू मेक. तो राजा सोचता है
कि ये ट्री स्पिरिट, ये फेरी बहुत ही दयालु और होशियार है, बुद्धिमान है, विवेक है। व्हाट अ ग्रेट सक्रीफाइस। सक्रीफाइस मीन्स बलिदान होता है स्टूडेंट्स, ओके। सक्रीफाइस मीन्स बलिदान होता है। तो राजा कहता है क्या बलिदान फेरी देने को तैयार है, कहते हैं ओके। फिर द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग कॉल्ड द मिनिस्टर्स एंड हिज फॉरेस्टर्स। फिर अगले सुबह राजा अपने मंत्रियों को और अपने लकड़हारों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं आई हैव चेंज्ड माई माइंड, द कोलम विल बी बिल्ट ऑफ स्टोन नॉट ऑफ वुड। तो राजा अपने मंत्री और लकड़हारों से कहते हैं कि मैं अपना मन बदल लिया कि मेरे महल का कोलम स्टोन से, चट्टान से बनना चाहिए, ना कि लकड़ी से। दिस इज बिकॉज अ वेरी नोबल स्पिरिट लिव्स इन द साल ट्री। तो यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस साल ट्री में बहुत ही ईमानदार, होशियार और दयालु आत्मा इस पेड़ में वास करती हैं। तो यह कह करके फिर मतलब राजा अपने मंत्रियों को बोलते हैं ओके। फिर मंत्री लोग कहते हैं थैंक यू योर मेजेस्टी। तो मंत्री लोग और लकड़हारे लोग कहते हैं कि बहुत धन्यवाद राजा जी, बहुत धन्यवाद महाराज, कहते हैं। तो इस तरह से साल का जो पेड़ था स्टूडेंट्स, वो फेरी बचा लेती है और राजा का माइंड को परिवर्तित कर देती है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी। सो आफ्टर लिसनिंग टू माई वीडियो यू रीड वंस अगेन सो दैट द आइडियाज और नोशंस मे बी मोर क्लियर टू यू। थैंक यू।